एक बार उठ जाइए, एक बार लोजपा के दो गुटों में बंटने के बाद चिराग पासवान अलग पड़ चुके हैं। वहीं इन दिनों वो आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में वो शुक्रवार की शाम खगड़िया पहुंचे, जहां रामविलास पासवान की पहली पत्नी रहती हैं। वो अपनी बड़ी माँ को देखकर भावुक हो गए और लिपट कर उनसे फफक फफक कर रोने लगे। चिराग ने इस दौरान अपनी बड़ी माँ से अपने चाचा की शिकायत भी की और इसी बीच दोनों भावुक होकर लिपट कर एक दूसरे से रोने लगे। बड़ी माँ ने चिराग के हाथों को थामे रखा और बोला कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी अकेले नहीं हो, बिहार की जनता तुम्हारे साथ है। राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान को बेटा कहते हुए अपने हाथों से खीर भी खिलाई और सर पर पगड़ी पहनाई। आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिले और दोनों ने खुलकर एक दूसरे से बात की। गले से लिपट कर फफक कर रोते हुए चिराग की ये तस्वीर ने कई लोगों को भावुक कर दिया। वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, ये चिराग पासवान के लिए अच्छा संकेत साबित हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ का आशीर्वाद लेने ही खगड़िया पहुंचे थे और इस बीच जो तस्वीरें वहां से निकल कर के सामने आई उसने कई लोगों को भावुक कर दिया। जिस तरीके से रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और चिराग पासवान एक दूसरे से लिपट कर रोए और यहां तक कि राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान को खूब लाड लगाया, ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक बार उठ जाइए, एक बार नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार उठ जाइए, एक बार नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।